आज हम 20 पशुओं के फार्म का पूरा आर्थिक नियोजन आपको बताने वाले हैं, जिसमें पशु से लेकर पशु के चारे तक तथा अगले 5 सालों का पूरा नियोजन शामिल है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वेस्टेक यूट्यूब चैनल पर। हमने डेयरी फार्मिंग के लिए नाबार्ड से मिलने वाले लोन पर एक वीडियो बनाया था, जहां पर काफी सारे किसान भाइयों ने कमेंट कर हमें डेयरी फार्मिंग के आर्थिक नियोजन के बारे में वीडियो बनाने के लिए लिखा था। तो खास आपकी फरमाइश पर आज हम वीडियो में आपको 20 पशुओं के प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। तो आपका ज्यादा कीमती समय न लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए वेजटेक चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। किसान भाइयों, वीडियो ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं वीडियो में जिसके ऊपर गौर करना काफी जरूरी है। डेयरी फार्म खोलने के लिए आपको निम्न बातों पर खर्च उठाना होता है, जिसमें से एक है कैपिटल कॉस्ट। इसमें शामिल होता है पशुओं का खरीद मूल्य, पशुओं के लिए शेड बांधना और मशीनरी। आपको बता दें कि इस प्रकार के खर्च आपको एक ही बार उठाने होती है। उसके बाद आते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट निर्भर है आपके फार्म के साइज पर। मान के चलिए कि 10 पशुओं के लिए आपको एक आदमी रखना होगा। हमारे भारत देश में किसान भाइयों के ही घर से कोई इन पशुओं की देखभाल करता है तो लेबर कॉस्ट का झंझट नहीं होता है। इसके बाद आती है रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट यानी बार बार होने वाले खर्च, जिसमें शामिल होती है पशुओं की खाद, टीकाकरण और दवाई पर होने वाला खर्च। और यह खर्च फिक्स नहीं होता, समय के हिसाब से ये बदलता रहता है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल कॉस्ट यानी एक ही बार होने वाले खर्च के बारे में। तो चलिए, एक ही बार में हम कुल 20 पशु ले रहे हैं। एक पशु लगभग 70,000 के करीब होता है, तो 14,00,000 रुपए आपको लगेंगे 20 पशु खरीदने में। जब आप शेड निर्माण कर रहे होंगे तो जगह की आवश्यकता नापना काफ़ी ज़रूरी है, और एक पशु के लिए लगभग 40 स्क्वायर फुट की जगह लगती है। ऐसे 20 पशु हम पालने वाले हैं, यानी आपको लगभग 800 स्क्वायर फुट वाला बड़ा शेड खड़ा करना होगा। अभी ये 800 स्क्वायर फुट का शेड खड़ा करने के लिए आपको 200 रुपये पर स्क्वायर फुट खर्चा आएगा, यानी लगभग 1,60,000 रुपये आपको पशु शेड के निर्माण के लिए लगने वाले हैं। अभी पशुओं का चारा रखने के लिए आपको भंडार कक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। 10 स्क्वायर फीट का भंडार गृह प्रति पशु यानी लगभग 200 स्क्वायर फुट का भंडार कक्ष आपको बनाना होगा, और 200 स्क्वायर फुट के भंडार कक्ष के लिए आपको तकरीबन 40,000 रुपये का खर्च आएगा। इसमें आप मिल्किंग मशीनरी जैसे सभी चीज़ें भी रख सकते हो। बाकी के पशु साधन यानी लगने वाली रस्सी वगैरह आप पकड़ोगे तो पर पशु 1,000 रुपये यानी लगभग 20,000 रुपये इसके लिए लग जाएंगे। आपके जो शेड बनेगा उसमें आपको विद्युतीकरण करना होगा, जो कि समझे कि पशु शेड में आने वाले खर्च से लगभग 5% यानी लगभग 8,000 रुपये का खर्चा आपको विद्युतीकरण के लिए आएगा। अभी जाहिर सी बात है, पशु है तो आपको पानी की सुविधा करनी होगी। 20 पशुओं के लिए आपको लगभग 6,000 लीटर की स्टोरेज क्षमता रखनी होगी, जिसके लिए आपको लगभग 2,00,000 रुपये तक का खर्चा आएगा, जिसमें बोरवेल का भी कॉस्टिंग शामिल है। बात करते हैं मिल्किंग मशीन और चाफ कटर लेने की। तो मिल्किंग मशीन और चाफ कटर में आपको लगभग 1,50,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। यानी किसान भाइयों, टोटल कैपिटल कॉस्ट यानी एक ही बार में आपको तकरीबन 19,78,000 रुपये खर्च करने होंगे। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बार बार होने वाले खर्चों के बारे में। अभी इतना बड़ा हमारा फार्म हो गया है तो आपको बीमा निकलवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो 20 पशुओं के बीमा के लिए हर पशु को लगता है लगभग 3150 रुपये यानी 63,000 रुपये हमारे चले जाते हैं बीमा प्रीमियम में। हमने जो शेड खड़ा किया है उसका मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन होता रहेगा 10% हर साल, यानी 16,000 रुपये का नुकसान होगा। मशीनरी और उपकरण जो हमने खरीदे हैं उनमें भी 20% का मूल्यह्रास होगा, यानी वो लगभग होता है 34,000 रुपये। दवाई और डॉक्टर के लिए आपको प्रति पशु 1,000 रुपये का खर्च आएगा, यानी वो लगभग होता है 20,000 रुपये। श्रम लागत, जैसे कि मैंने बताया था 10 पशुओं के लिए एक आदमी, यानी अगर आप 20 पशुओं के लिए दो आदमी रखते हो तो लगभग 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको 2,40,000 रुपये उन पर खर्च करने होंगे। बिजली शुल्क आप पकड़ के चलिए 2,000 रुपये प्रति माह, यानी वो हो जाता है लगभग 24,000 रुपये।
और इतर खर्च पकड़ लीजिए प्रति पशु 1000 रुपये और वो हो गए 20000 रुपये। यानी टोटल रिकरिंग कॉस्ट यानी आपको बार बार होने वाला खर्च आता है तकरीबन 417000 रुपये। जी हाँ, पहला हमारा कैपिटल कॉस्ट आई थी 1978000 रुपये और अभी टोटल रिकरिंग कॉस्ट आती है 417000 रुपये। यानी पहले वर्ष में आपको 1978000 अधिक 417000 इतना खर्च उठाना होगा। अभी गौर करने वाली बात यह है कि अभी हमने फीडिंग कॉस्ट यानी चारे के लिए लगने वाला खर्च कैलकुलेट नहीं किया है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस पूरे डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा खर्च और ध्यान रखना पड़ता है चारे का, तो आइए जानते हैं फीडिंग कॉस्ट यानी चारे के लिए लगने वाले खर्च के बारे में। जी हाँ, तीन टाइप का चारा हम पशुओं को देते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉडर इसमें शामिल होता है जो आप परचेस करके लाते हो, जैसे भूसार ये सारी चीज़ें हो गई, ये लगभग 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलती है। दूसरा हो गया हरा चारा जो किसान खुद के खेत में उगाता है जिसकी वजह से वो लगभग 1 रुपये प्रति किलो ही पड़ता है। और सूखा चारा जो कभी कभी किसान भाई को खरीदना पड़ता है जो पड़ता है लगभग 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉडर डालोगे 6 किलो, हरा चारा 30 किलो और सूखा चारा 4 किलो प्रतिदिन, तो कुल खर्च आता है 178 रुपये अगर आपका पशु दूध देने के अवधि में है तो। और अगर वो दूध नहीं दे रहा है तो उसका कुल खर्च आएगा लगभग 90 रुपये प्रतिदिन। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो पॉज करके ये पूरी संख्याएं देख सकते हो। यानी हमारे पास अभी क्या है कि पशु अगर दूध दे रहा हो तब एक पशु को 178 रुपये प्रतिदिन खर्च आएगा, और अगर पशु दूध नहीं दे रहा हो तो उसके चारे पर लगभग 90 रुपये तक प्रतिदिन का खर्च आएगा। अब बात करते हैं दूध के दिनों यानी लैक्टेशन पीरियड के बारे में। अगर हम 20 पशुओं का विचार करते हैं तो लगभग 4500 दिन एक वर्ष में होते हैं दूध के दिन, यानी कुल चारे का खर्च हमारा आता है लगभग 8 लाख रुपये। ऐसे ही दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और पांचवा वर्ष होता है। जैसे जैसे वर्ष बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि आपके इसमें गाय के बछड़े भी शामिल हो जाते हैं चौथे साल से। आइए बात करते हैं दूध न देने वाले दिनों के बारे में। तो पहले वर्ष में आपको कुल चारे का खर्च आएगा लगभग 53400 रुपये। यानी अगर आप चारे का कुल खर्च देखते हो, दूध के दिन का खर्च हो रहा था हमारा 8,01,000 रुपये, उसके बाद दूध न देने का खर्च हुआ था 53400 रुपये, और समझ लीजिए गाय का बछड़ा, और प्रतिवर्ष 8 बछड़े होते हैं जिनको 15000 रुपये प्रतिवर्ष खर्चा आता है चारे के लिए, तो वो हो गए 1,20,000 रुपये। यानी पहले वर्ष आपको लगभग 9,74,400 रुपये चारे के लिए कुल खर्च आएगा। आपको बता दें इसमें सारे खर्चे जोड़े गए हैं जिसके वजह से आपको नंबर्स थोड़े बड़े लग रहे होंगे। तो चलिए ऐसे ही दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और पांचवें वर्ष में चारे के लिए लगने वाला कुल खर्च आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये पूरा खर्च होने के बाद आइए बात करते हैं अब होने वाली कमाई के बारे में। चलिए मान लीजिए कि एक पशु एक दिन में 15 लीटर दूध देता है, तो कुल दूध उत्पादन लीटर में एक वर्ष में हो जाता है आपका 67,500 लीटर। यानी 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप पैसे जोड़ते हो तो लगभग 20,25,000 रुपये तक का दूध आप एक साल में बेचते हो। एक पशु 10 किलोग्राम तक का खाद उत्पाद करता है एक दिन में, और हमारे पास है 20 पशु यानी लगभग 73,000 किलोग्राम तक की खाद हमारे पास जमा हो जाती है, और ये खाद बिकती है लगभग 1000 रुपये प्रति टन, एक टन यानी 10,000 किलो। तो इस हिसाब से हमारे होते हैं 73,000 पहले वर्ष में खाद से, यानी हमारी कुल कमाई होती है दूध उत्पादन और खाद उत्पादन से लगभग 20,98,000। ऐसे ही दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष तक कुल कमाई देख सकते हो। अभी सीधी सी बात है, हमने प्रोजेक्ट चालू करने के लिए लगभग 19,00,000 रुपये का खर्च किया था, तो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अभी हम किसी भी स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बैंक से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के बाद तकरीबन 70% तक लोन मिल जाता है, जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट किया है 12% का, जो कि हाईएस्ट आता है बैंक की तरफ से, और ये लोन हम फेड़ेंगे लगभग 5 साल की पीरियड में। हमने कैपिटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए लगाया था 19,78,000 रुपये, जो कि पांचों ही साल में सेम रहेगा, और 19,78,000 के प्रोजेक्ट का 70% होता है
13,84,600 रुपये, यानी आपको खुद से लगभग 5,93,400 रुपये डालने पड़ेंगे इस 20 पशुओं के प्रोजेक्ट के लिए। अब आपको बता दें, बैंक का लोन लिया है तो आपको रीपेमेंट करना होगा, यानी हर साल आपको बैंक को 2,76,920 रुपये भरने होंगे। 12% ब्याज से हर साल का ब्याज होता है लगभग 1,66,191, और बैंक को इंटरेस्ट के साथ आपको देने हैं हर साल 4,43,072 रुपये, और पूरा हमारा खर्च पशु चारे को इंक्लूड करके होता है 13,91,400 रुपये। तो किसान भाइयों, हमारा कुल खर्च होता है बैंक का पेमेंट करने के बाद वो है 24,27,872 रुपये पहले साल में, और आपकी इनकम थी लगभग 20,98,000 रुपये, यानी आप 3,29,872 रुपये लॉस में रहेंगे पहले साल इस बिजनेस में। लेकिन दूसरे साल में आपको इससे कुल फ़ायदा होगा 5,31,000 रुपये, तीसरे साल में आप पा सकते हो 4,44,500 रुपये, उसके बाद है 9,58,000, 14,50,000 पांचवे साल में। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पहले साल में हम 3,00,000 कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट की थी, क्योंकि हमने पशु शेड बनाने से पूरा खर्च कैलकुलेट किया था। आपको बता दें कि आप इसी फॉर्मूले से 10 पशुओं या फिर 5 पशुओं के लिए एक रिपोर्ट बनाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हो, या फिर अपने खुद के फायदे के लिए एक ढांचा बना सकते हो कि आपको कितना खर्च करना है, क्या करना है। हम आपको बता दें कि किसी भी बिजनेस में हर दिन का ट्रैकिंग रहना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया कि प्रतिदिन चारे पर कितना खर्च हो रहा है, इतनी सारी डिटेल्स जब ट्रैक होगी तभी जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताना, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए वेस्टेक चैनल को ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए सादर आभार।